जय हिंद दोस्तों, क्या आप भूतिया घर के बारे में जानते हैं? आज हम बात करेंगे भूतिया घरों के बारे में। भूतिया घरें सदी से सदियों तक लोगों की रुचि और आकर्षण का केंद्र रहा है, जिन्हें आधुनिक काल में आधुनिक कहानियों द्वारा अक्सर प्राचीन किले या छोड़ी हुई पुराने बिगड़ी हुए घरों के रूप में चित्रित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इन जगहों में प्रेत या भूत निवास करते हैं, विशेष रूप से जब वह हत्या या आत्महत्या जैसी दुखद घटना होती है। आधुनिक समय में भूतिया घरों को मनोरंजन पार्क में भी लोकप्रिय आकर्षण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो थ्रिलर सीकर्स और हॉरर दीवाने को आकर्षित करते हैं। हालांकि भूतिया घरों के बारे में आंखों में छिपे भी कोई बात है। विज्ञान इन अद्भुत घटनाओं के लिए युक्तिसंगत व्याख्या भी प्रदान करते हैं। एक प्रमुख सिद्धांत के अनुसार भूतों के अनुभव का संबंध कार्बन मोनोक्साइड जैसे विषाक्त गैसों की मौजूदगी से हो सकता है। पुराने इमारतें आमतौर पर भूतों से जुड़ी कथाओं को दर्शाती है और ज़्यादातर पुरातन उपकरण में कार्बन मोनोक्साइड या अन्य जहर जैसी उपादान रहती है। इससे हेलोसिनेशन जैसी कि भूत दिखाई देना या एक उपस्थिति महसूस करना ऐसा एक उत्पन्न होता है, जो विशेष रूप से ठंड के महीने में ज्यादा उपयोग होता है। कार्बन मोनोक्साइड के अलावा दूसरे विषाक्त पदार्थ भी उत्पन्न करते हैं। कीटनाशक जैसे जाने जाने वाले जो कार्बन मोनोक्साइड की तरह हेलोसिनेशन उत्पन्न करने में सक्षम है। इसके अलावा विषाक्त स्पर्शक जो मौजूद होते हैं वो भी एक महत्वपूर्ण कारक का भूमिका निभाती है। ये मौजूद होने पर हेलुसिनेशन उत्पन्न कर सकता है। निश्चित और रोमांचकर दवाई जैसे LSD और मेथामफेटामिन जो गहरे हेलुसिनेशन का कारण होता है, वेट ट्रिप्स के रूप में जाना जाता है। हालांकि नशे में होने वाले व्यक्ति शराबबद्ध समय अपने अनुभवों को नशे की दवा के रूप में जोड़ने की अधिक संभावना रखते हैं। हलचल के बदलने के अलावा कई भूतिया ध्वनि और दृश्यों का सामान्य घटना द्वारा व्याख्या किया जा सकता है। उठते हुए जैसे चूहे की आवाज या चारों ओर कुछ एक थोड़ा बहुत ध्वनि का शब्द, जिसका प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुआ हवा का हलचल, एकल जो दरवाजे को खुद ही बंद करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि गुजरते हुए कार के हेडलाइट आत्मा की तरह चलती हुई छाया प्रतिबिंब बनाती है। रोजमर्रा के उपयोग होने वाले उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लम्बिंग से आने वाले ध्वनियों का तांत्रिक भ्रमित करना भूतिया के रूप में गलत तरीके से समझाया जा सकता है। अगर यह छोटा सा फैक्ट आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर ठोक देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।